अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने प्रोसेस मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ तक जो था वो चैप्टर वन को डिस्कस किया था। आज हम मेमोरी मैनेजमेंट जो है उससे शुरू करेंगे। तो मेमोरी मैनेजमेंट में क्या चीज़ें हैं कि मेमोरी चूँकि कंप्यूटर का रिसोर्स है, इसको भी मैनेज करना पड़ता है और ये काम भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही करता है। मेमोरी में मैनेजमेंट में होता क्या है कि जब भी कोई प्रोसेस जो है उसने एग्जीक्यूट होना है, इट हैज़ टू बी इन द मेन मेमोरी। इसको मेमोरी में लेके किसने आना है, उस ऑपरेटिंग सिस्टम ने लेके आना है। जब प्रोसेस खत्म हो जाएगा मेमोरी से जो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जब भी प्रोसेस जो है वो खत्म हो जाएगा तो उससे जो चीजें हैं, जो रिसोर्सेज हैं वो क्लेम करने हैं, वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम ने करना है। और उसके बाद उसने ये भी देखना है कि कौन से ऐसे पार्ट्स हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के जो कि सॉरी जो मेमोरी के जो कि यूज हो रहे हैं और कौन से पार्ट्स जो हैं वो फ्री हैं। इसके अलावा उसने ये भी डिसाइड करना है कि कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिनको मेमोरी के अंदर लेके आना है और मेमोरी से बाहर लेके जाना है, और मेमोरी की एलोकेशन, डी एलोकेशन, इस तरह के सारे काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर। नेक्स्ट है हमारे पास फाइल मैनेजमेंट। अब हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम है हमें वो स्टोरेज जो होती है, जो हमारी हार्ड ड्राइव होती है या सेकेंडरी स्टोरेज की जितनी भी किस्में होती हैं, चाहे हम यूएसबी साथ अटैच कर लें या सिर्फ हार्ड ड्राइव हो, तो वो उसका एक लॉजिकल व्यू देती है। लॉजिकल व्यू से क्या मुराद है? लॉजिकल व्यू का मतलब ये है कि हमारे पास जो डाटा हम रखते हैं वो फॉर्म ऑफ फाइल्स रखते हैं, लेकिन एक्चुअली जो हार्ड ड्राइव होती है या जो जो भी आपका स्टोरेज मीडियम होता है उसका अपना एक हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, उसमें उसका एक तरीकेकार होता है जिसके जरिए उसमें वो चीजें जो है वो स्टोर होती है। लाइक अगर हमारी मैग्नेटिक डिस्क होगी तो उसमें ट्रैक्स होंगे, उसमें सेक्टर्स होंगे, उसमें वो मैग्नेटिक जो चार्ज है उसके जरिए डाटा जो है वो जीरो और वन की फॉर्म में लिखा हुआ होता है। तो ये सारी जो कम्प्लेक्सिटी है ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपसे छुपा लेता है और ये सारा काम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा होता है। यू जस्ट सेव फाइल्स, यू रीड फाइल्स और उसमें से आप सारा डाटा ले रहे होते हैं जो कि आपका लॉजिकल व्यू। उसके अलावा इसने क्या करना होता है कि इसने जो फाइल्स की क्रिएशन और उसकी डिलीशन और डायरेक्टरीज बनाना, डायरेक्टरी इटसेल्फ जो है वो किस लिए यूज होती है? वो सिर्फ आपकी मैनेजमेंट के लिए यूज होती है कि आपको सिर्फ एक ड्राइव के रूट के अंदर बहुत ज्यादा डाटा ना रखना पड़े, बल्कि आप डिफरेंट डायरेक्टरीज बना लें और उनकी डायरेक्टरीज के अंदर जाके आप जो है वो रेलिवेंट जो फाइल्स हैं वो बनाए, उनकी जो मैनेजमेंट के लिए ये सारी चीजें यूज। उसके अलावा फाइल्स को सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर मैप करना। सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर मैप करने का क्या मुराद है? वही कि आपके ये जो अगर आपने एक फाइल सेव की है तो ये इसका जो है वो एड्रेस क्या होगा, उसका जो लाइक कौन से ट्रैक के अंदर जाके, कौन से सेक्टर के अंदर जाके ये सेव होगी, और उसकी एंट्री जो है वो यूजली फाइल एलोकेशन टेबल्स होते हैं जहाँ पे इसकी एंट्री होती है। उसके बाद बैकअप करना होता है आपने इन फाइल का नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज मीडिया के ऊपर। ऑल्दो के हमारी हार्ड ड्राइव और जो यूएसबी है और जो सीडी ड्राइव है ये सारी ये भी नॉन वॉलेटाइल मीडियम है, लेकिन बैकअप का यहाँ पे क्या मकसद है और उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम है? तो इसमें बैकअप का मतलब ये होता है कि डाटा को आपने स्टोर इस तरह से करना है कि उसमें लॉस ऑफ जो थ्रेट ऑफ डाटा लॉस है वो कम से कम हो। तो उसमें कुछ स्पेशलाइज प्रोसीजर होते हैं, आप अपने किसी कोर्स में आई गेस इसमें शायद आप थोड़ा बहुत टच करें। एक रेड का कॉन्सेप्ट होता है, RAID, रिटेंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। उसमें आप जो है वो 6 से 7 या उससे भी ज्यादा जो है वो हार्ड ड्राइव जो है वो इकट्ठी यूज कर रहे होते हैं एक मशीन के अंदर, और जो डाटा है वो उनके ऊपर रेप्लीकेट होता है। रेप्लीकेट होने से होता क्या है कि अगर आपका कोई एक हार्ड ड्राइव जो है वो फेल हो जाती है तो आपका डाटा जो है वो दूसरी जगह पे मौजूद होता है चूंकि वो रेप्लीकेट किया हुआ। तो उसकी जो टेक्निक्स है अगर हमने डिटेल में हमारे कंटेंट्स में शामिल हुआ तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे, अदरवाइज उसका जो इनिशियल इंट्रोडक्शन था वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। उसके बाद मास स्टोरेज की मैनेजमेंट। मास स्टोरेज भी यही चीज है जिसको हम हार्ड ड्राइव या सेकेंडरी स्टोरेज कहते हैं। उसमें ओएस की जो एक्टिविटीज है वो क्या है कि डाटा को माउंट करना, ड्राइव्स को माउंट करना और अनमाउंट करना। अब ये माउंट और अनमाउंट का जो कंसेप्ट है उससे ज्यादा लोग फेमिलियर नहीं है क्योंकि हम लोग आदि हैं ज्यादातर विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करने के। विंडोज में क्या हो रहा होता है कि जो जो हम पार्टीशंस कर देते हैं जो सिस्टम की इंस्टॉलेशन के टाइम पे वही हमारे माई कंप्यूटर्स में नजर आ जाती है, CDEF। लेकिन अगर आप में से जिस जिसका भी एक्सपीरियंस ऐसा होगा जिसने लिनक्स के साथ काम किया हुआ है,
Ubuntu जो कि Linux का ही एक वर्जन है उसके साथ काम किया हुआ है। उसमें आप ये देखते हैं कि आप जो है वो जब भी किसी पार्टीशन को करते हैं, यानी आप अपनी हार्ड ड्राइव की पार्टीशन करते हैं, तो उस पार्टीशन को आपको किसी एक एड्रेस के ऊपर जो है वो एक सॉरी एड्रेस नहीं किसी एक पाथ के ऊपर माउंट करना पड़ता है। माउंट और अनमाउंट करने से, माउंट करेंगे तो वो यूजेबल होगी, अनमाउंट कर देंगे तो उस एड्रेस से वो यूजेबल नहीं रहेगी। उसके बाद है फ्री स्पेस की मैनेजमेंट के आपके पास कितनी मेमोरी फ्री है, उसमें कितनी यूज हो रही है। उसके बाद स्टोरेज एलोकेशन है, जिस तरह मेमोरी एलोकेशन के एल्गोरिदम्स होंगी इसी तरह स्टोरेज एलोकेशन जो है और डी एलोकेशन उसके स्टोरेज एलोकेशन के जो डी एल्गोरिदम्स होंगे कि डाटा जो है वो किस जगह पे किस सेक्टर पे किस ट्रैक के ऊपर जाके स्टोर होना है। उसके बाद है डिस्क स्केजुलिंग। अब डिस्क स्केजुलिंग का मतलब क्या है कि जो हार्ड ड्राइव होती है उससे जब डाटा आप रीड करते हैं या आपने डाटा राइट करना है, डिफरेंट रिक्वेस्ट है, डाटा रीड की है, रिक्वेस्ट की है, तो उनको किस ऑर्डर के अंदर जो है वो उन रिक्वेस्ट को सर्व करना है, ये काम डिस्क स्केजुलिंग का होता है। पार्टीशनिंग के बारे में आप जानते हैं कि एक ही हार्ड ड्राइव को आप डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशंस के अंदर जो तकसीम कर लेते हैं, ये भी ज्यादातर मैनेजमेंट के लिए होती है। जिस तरह आपके डायरेक्टरी या फोल्डर जो है वो मैनेजमेंट के लिए होते हैं, इसी तरह पार्टीशनिंग जो है वो भी मैनेजमेंट के लिए होती है कि आप एक हार्ड ड्राइव को 3 या 4 पार्टीशंस में जो है वो तकसीम कर लेते हैं, बजाय इसके कि आप एक के अंदर ही रखें। और उसमें तो आपकी पहली पार्टीशन है, यूजुअली उसके ऊपर आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंस्टॉल कर रहे हैं। उसके बाद इसकी जो प्रोटेक्शन है कि जो आपका इलीगल या अनऑथेंटिकेटेड एक्सेस है टू द मास स्टोरेज, उसको आपने ऑपरेटिंग सिस्टम ने रोकना होता है। तो उसमें होता क्या है कि जो भी फाइल स्टोरेज होती है उसमें डिफरेंट चीजें हैं, लाइक फाइल्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, तो उनके ऊपर एक्सेस राइट्स हैं। इसको हम थोड़ा सा आगे जाके प्रोटेक्शन में भी डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम उनको हैंडल कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास कैशिंग। कैशिंग का कंसेप्ट ये होता है कि डेटा जो है उसको आपने एक स्लो स्टोरेज से जो है वो एक फास्टर स्टोरेज के अंदर लेके जाना है। फास्टर स्टोरेज के अंदर क्यों लेके जाते हैं, उसकी वजह ये होती है कि जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम है उसमें सबसे ज्यादा जो फास्टेस्ट डिवाइस होती है वो हमारा प्रोसेसर होता है, और वही सबसे जो यूजफुल रिसोर्स है जिसमें एक्चुअल काम करना वो होता है। तो बेसिकली किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम का मकसद ये होता है और ये होना चाहिए कि प्रोसेसर जो है उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम जो है बिजी रखा जाए, वो काम करता रहे, बजाय इसके कि वो आइडल रहे और वो डाटा का वेट करता रहे कि डाटा आएगा तो मैं उसको प्रोसेस करूँगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर डाटा जो है उसको सिर्फ आना है, जो भी यहाँ पे हैंड जो रेज हैंड कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि क्वेश्चन जो है बाद में आंसर करूंगा। तो अभी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो भी लोग जो है वो सॉरी जो भी डाटा है अगर वो आपका किसी स्लो स्टोरेज डिवाइस में है और उसको मूव करना है डायरेक्टली या अपने प्रोसेसर के अंदर, तो वो टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि डिस्क की स्पीड जो है वो प्रोसेसर की स्पीड से बहुत ज्यादा मिसमैच है। मेन मेमोरी की जो स्पीड है वो प्रोसेसर की स्पीड से बहुत ज्यादा मिसमैच है। कैशे की स्पीड जो है वो तकरीबन थोड़ी मिलती जुलती है, लेकिन फिर भी कैशे की स्पीड जो है वो आपके सीपीयू की स्पीड से कम होती है। और जो फास्टेस्ट मेमोरी होती है वो हमारे पास जो है वो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं। तो ये जो डेटा की मूवमेंट है इसको हम कैशिंग कहते हैं। अब कैशिंग में होता क्या है, अब जिस तरह लास्ट लेक्चर में आपने मेमोरी हायरार्की में देखा था कि सबसे पहले रजिस्टर होते हैं, फिर कैशेज होती हैं, फिर मेन मेमोरी होती है, फिर आपका सेकेंडरी स्टोरेज की चीजें आ जाती हैं। तो जब भी आपकी जो ऊपर वाली डिवाइसेज हैं जो फास्टर डिवाइसेज हैं उनके पास मेमोरी कम होती है, फिर मेमोरी कम होने का क्या मतलब होगा, उसमें आपको क्या कुछ डिसीजन करने पड़ेंगे। डिसीजन क्या करने पड़ेंगे कि आपको रिप्लेसमेंट क्या करना है, यानी मेन मेमोरी से कैशे में डाटा जा रहा है जितना मेन मेमोरी में उतना तो कैशे में नहीं हो सकता, उससे कम होगा। अगर कोई नया डाटा जो है वो आपने रैम से कैशे में लेके जाना है तो उसके लिए आप पहले से मौजूद डाटा के साथ क्या करेंगे, उसको रिप्लेस करेंगे। अब रिप्लेसमेंट की कोई पॉलिसी होगी कि जो सबसे पहले आया उसको निकालेंगे या जो सबसे पुराना यूज हुआ है उसको निकालेंगे। तो इस तरह की चीजें जो है वो हम कैशिंग में पढ़ते हैं। उसके बाद जो डिफरेंट तरह की स्टोरेज है उसके बारे में एक चार्ट बना हुआ है, उसमें टिपिकल साइज रजिस्टर्स का बताया हुआ है कि ये 1 KB तक होते हैं, इनका साइज जो होता है कैशे का साइज less than 16 MB तक होता है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, इससे बड़ी कैशेज भी अवेलेबल हैं और यूजुअली
जो कैशेज होती हैं उसके भी मल्टीपल लेवल्स आजकल आ रहे हैं, लेवल 1 कैशे होगी, लेवल 2 होगी, लेवल 3 तक हो सकती है। मेन मेमोरी का टिपिकल साइज, ये टिपिकल साइज है कि वो 64 GB तक हो सकता है। सॉलिड स्टेट डिस्क जो है वो 1 TB तक हो सकती है, मैग्नेटिक डिस्क जो है वो 10 TB तक हो सकती है। उसके बाद इनकी जो इम्प्लीमेंटेशन टेक्नोलॉजीज हैं वो चूंकि हार्डवेयर की चीजें हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं, उनके पास हम नहीं जाएंगे। और यहाँ पे इनका जो एक्सेस टाइम है, तो सबसे पहले अब ये देखें कि रजिस्टर का जो एक्सेस टाइम है वो सबसे कम है, उसके बाद कैशे का है, उसके बाद आपके पास रैम का है एक्सेस टाइम, और फाइनली अगर आप देखेंगे कि रैम के बाद अगर आप कंपेयर करें कि रजिस्टर का और जो सॉलिड स्टेट डिस्क है उसके एक्सेस टाइम में कितना फर्क है, तो उससे आपको चीजें समझ आ जाएंगी कि हम कैशिंग जो है वो एक्चुअली करते हैं। उसके बाद बैंडविड्थ है कि किस डाटा रेट के साथ आपका डाटा जो है इस मेमोरी से ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद ये उसी चीज को देखा जा रहा है कि जब हमने फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा था और डाटा क्या है ए, अब इसको हमने जो है वो प्रोसेसर तक लेके जाना है, तो सबसे पहले अगर ये डाटा जो है वो मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर स्टोर है, तो सबसे पहले उसको हम उठा के मेन मेमोरी के अंदर लेके जाएंगे, मेन मेमोरी से आप कैशे के अंदर लेके जाएंगे, कैशे से आप जो है वो प्रोसेसर के रजिस्टर या हार्डवेयर रजिस्टर जिसमें लिखा हुआ है इसके अंदर लेके जाएंगे। अब इससे होता क्या है कि जो डाटा ए है ये मल्टीपल जगह पे मौजूद है। फॉर एग्जाम्पल जब ये रजिस्टर के पास गया तो प्रोसेसर ने क्या किया कि इसको रीड किया, और रीड करने के बाद इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया। जब इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया तो ये जो चेंज्ड वैल्यू है वो आपकी कैशे में भी अभी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, वो मेन मेमोरी में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई, मैग्नेटिक डिस्क में भी रिफ्लेक्ट नहीं हुई। तो ये जो डाटा की वैल्यू का जो फर्क है इसको खत्म करने के लिए या इसको कंसिस्टेंसी इसमें लाने के लिए जो प्रॉब्लम है उसको हम कहते हैं कैशे कोहेरेंसी, कि एक ही डाटा की मल्टीपल वैल्यूज हैं और मौजूद हैं और उनको एक वैल्यू के ऊपर किस तरह से इंटीग्रेट करना है, इसकी कुछ एल्गोरिदम्स हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आईओ सबसिस्टम। आईओ डिवाइसेस हैं जिस तरह हमारा कीबोर्ड है, प्रिंटर है, माउस है, डिस्प्ले है, तो इन चीजों को भी जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल कर रहा होता है, उसका एक आईओ सब सिस्टम होता है जो कि इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब इसने करना है क्या है, इसने मेमोरी मैनेजमेंट करनी है ऑफ आईओ इंक्लूडिंग बफरिंग। बफरिंग क्या होती है कि डाटा को टेम्परेरीली स्टोर होना करना है जब वो इनपुट के फेज के ऊपर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कीबोर्ड के ऊपर कोई चीजें प्रेस कर रहा हूँ तो वो उसके बफर के अंदर जाके स्टोर हो रही है, तो उसको बफरिंग कहते हैं। उसके बाद जो है वो कैशिंग है। कैशिंग क्या है कि जो इसका बफर है उससे फास्टर मेमोरी में है जो डाटा है उसको लेके जाना है, उसमें रैम जो है वो आ सकती है, रैम में जाएगा। उसके बाद अगर यही डाटा जो है वो सीपीयू को चाहिए तो वो कैशे से होता हुआ आपके रजिस्टर के ऊपर जाएगा। उसके बाद एक काम जो आईओ सब सिस्टम करता है वो स्पूलिंग करता है। स्पूलिंग जो है ज्यादातर प्रिंटर डिवाइस के साथ जो है उसका कॉन्सेप्ट मिलता है, कि अगर आपने एक डिवाइस जो है उसको मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी हुई है तो वो रिक्वेस्ट जो है वो किस तरह से सर्व होंगी, क्या वो ओवरलैप तो नहीं हो जाएंगी। लाइक मैंने 5 पेज जो है प्रिंट के लिए भेजे, एक यूजर है जिसने 4 पेज भेजे हैं, तो क्या इस तरह तो नहीं है कि वो एक पेज मेरा प्रिंट कर रहा है, एक उसका प्रिंट कर रहा है, और वो जो पेजेस हैं वो आपस में अमेलगमेट हो रहे हैं, वो आपस में मिक्स हो रहे हैं। तो इस चीज को रोकने का जो काम है, इस चीज को जो शेड्यूल करने का काम है उसको प्रोसेस जो है वो प्रिंटर स्पूलिंग कर। उसके बाद है प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी में काफी सारी चीजें आ जाती हैं। एक तो ये है कि प्रोसेसर या यूजर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको इन अनऑथराइज एक्सेस से रोकना होता है। सिक्योरिटी में क्या है, डिफेंस ऑफ द सिस्टम अगेंस्ट इंटरनल एक्सटर्नल अटैक्स। अब इसमें मालवेयर्स भी आ जाते हैं, वर्म्स भी आ जाते हैं, वायरसेस भी आ जाते हैं, आइडेंटिटी थेफ्ट भी आ जाता है, थेफ्ट ऑफ सर्विस जो है वो इस तरह की चीजें भी आ जाती है। अब जो ज्यादातर जो चीजें हो रही होती हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट किया जाता है, उनकी सिक्योरिटी किस तरह से की जाती है, कि आपके पास जो भी यूजर होता है उसके साथ एक यूजर आईडी जो है वो अटैच हो जाता है। अब वो उस यूजर आईडी के अगेंस्ट जो है वो कुछ राइट्स जो है वो डिफाइंड होते हैं कि ये यूजर जो है ये काम कर सकता है, ये काम नहीं कर सकता।
ठीक है। उसके अलावा हर एक यूजर जो है उसको आप किसी ऑप्शनली, ये चीज ऑप्शनल है कि हर एक यूजर को आप किसी ग्रुप के अंदर जो है वो भी शामिल कर सकते हैं, लाइक एडमिनिस्ट्रेटर्स का ग्रुप है, मैनेजर्स का ग्रुप है, जो अकाउंटेंट्स हैं उनका ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप जो है उसके साथ भी राइट्स जो है वो अटैच हो सकते हैं कि अगर एक यूजर किसी खास ग्रुप में है तो वो आपके लेजर की एंट्रीज कर सकता है, अगर वो अकाउंटेंट्स के ग्रुप में नहीं है तो वो लेजर की एंट्रीज नहीं कर सकता। तो इस तरह ग्रुप आईडी और यूजर आईडीज का जो मिक्सचर है उसके जरिए जो है वो आप मैनेज करते हैं अपनी सिक्योरिटी को। उसके बाद है प्रिविलेज एस्केलेशन। इसका क्या मतलब है? लाइक आपने कुछ बार दफा देखा होगा कि आप अपना कोई सॉफ्टवेयर चलाने की कोशिश करते हैं, उसमें कोई कमांड देते हैं तो आपको कोई मैसेज आता है कि आपके पास ये काम करने की अथॉरिटी नहीं है, आप ये काम नहीं कर सकते, आप ऑथराइज नहीं है। तो उसके लिए विंडोज में यूजुअली हम ये करते हैं कि उसी प्रोग्राम को अगर हम एडमिन मोड में या रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करके चलाते हैं तो वो काम जो पहले नहीं हम कर पा रहे होते थे तो वो अब हम कर पाते हैं। तो इस चीज को हम कहते हैं कि प्रिविलेज एस्केलेशन। ये चीज क्यों जरूरी है? ये चीज इसलिए जरूरी है कि प्रिविलेज एस्केलेशन इसलिए जरूरी होता है नॉर्मली कि आप एक्सीडेंटली कोई गलत काम ना कर दें। लाइक जो लाइनेक्स में, मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि उबंटू जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें जो भी आपका जो क्रिटिकल ऑपरेशन है वो सूडो के साथ आप उसको करते हैं। सूडो का मतलब होता है सुपर यूजर डू। तो जब भी आप सूडो के साथ कोई कमांड देते हैं तो वो एडमिन मोड के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट होती है, लेकिन उसको आपको एक्सप्लिसिटली लिखना पड़ता है आपकी हर, ऑल्दो के अगर आप एडमिन भी हैं तो आपकी हर रिक्वेस्ट जो है वो एस्केलेटेड मोड के अंदर नहीं होती, लेकिन सिर्फ वही रिक्वेस्ट जो है वो आपकी एस्केलेटेड मोड के अंदर होती हैं, जिनको जिनके साथ आप सूडो लिख के उसके बाद आपको मार लें। उसके बाद है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन का जो कंसेप्ट है वो ये होता है कि आपने एक ही ऑपरेटिंग या एक ही मशीन के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो उनकी इंस्टॉलेशन की हुई है। एक इंस्टॉलेशन का तरीका तो ये है कि आप साइड बाय साइड इंस्टॉलेशन कर रहे हैं कि विंडोज भी आपने इंस्टॉल किया हुआ है, आपने जो है वो लाइनेक्स भी इंस्टॉल किया हुआ है। तो उसमें होता क्या है कि उसमें एक वक्त में आप एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हैं। लाइक अगर विंडोज चला रहे हैं तो आपको अगर जो है वो दूसरे लाइनेक्स पे जाना है तो आपको सिस्टम रीस्टार्ट करना पड़ेगा और बूट मेन्यू से आपको जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा जी कि अब मैं जो है वो लाइनेक्स चलाना चाहता हूँ। लेकिन एक और तरीका ये है कि आप विद इन वन ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूजिंग अ वर्चुअल मशीन या वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसमें दो तरह की चीजें होती हैं। एक इमुलेशन होती है। इमुलेशन का मतलब ये है कि मैंने अगर एक मशीन के ऊपर जो है वो इमुलेटर चलाया हुआ है, वो करता है क्या है कि मुझे फॉर एग्जांपल विंडोज के ऊपर जो है वो लाइनेक्स का एनवायरनमेंट दे देगा या लाइनेक्स के ऊपर जो है विंडोज का एनवायरनमेंट दे देगा, लेकिन उसमें मैं जो काम करूंगा, लाइक मेरे पास अगर विंडोज के ऊपर लाइनेक्स का एनवायरनमेंट है तो उसमें चीजें किस तरह से होंगी कि जो लाइनेक्स की मैं कॉल्स दूंगा या उसकी जो कमांड्स दूंगा वो नेटिवली मशीन कोड में या हार्डवेयर के अंदर ट्रांसलेट नहीं होंगी, बल्कि वो विंडोज की जो सिस्टम कॉल्स हैं उनके अंदर जो है वो इंटरप्रेट हो रही होंगी, उसको इंटरप्रिटेशन कहते हैं। दूसरा, इमुलेशन के अलावा जो वर्चुअलाइजेशन का दूसरा कंसेप्ट है वो ये होता है कि आप एक ही तरह की, आपके पास दोनों वर्चुअल मशीन है, यानी आपने विंडोज के ऊपर एक वर्चुअल मशीन वीएमवेयर के जरिए की हुई है वो जो कि दूसरी वर्चुअल मशीन भी उसके साथ कंपेटेबल है। लाइक जिस तरह ये एग्जांपल दी हुई है कि एक ऑपरेटिंग वीएमवेयर है जिसमें आपने विंडोज एक्सपी इंस्टॉल किया हुआ है और आपकी जो दूसरी वर्चुअल मशीन है उस पर भी विंडोज एक्सपी है, तो इसमें ट्रांसलेशन की या इंटरप्रिटेशन की जो है वो जरूरत नहीं है, बल्कि आपका जो भी कमांड होंगे वो डायरेक्टली मशीन कोड के अंदर ट्रांसलेट हो जाएंगे। तो इसमें यूजुअली जो आपकी वर्चुअल मशीन होती हैं उनकी स्पीड जो है वो ज्यादा तेज है एज कम्पेयर टू एमुलेटर्स। वीएमएम क्या होते हैं? ये वर्चुअल मशीन मैनेजर्स होते हैं। जिस तरह इसकी एक एग्जांपल शायद आपने कभी यूज किया हो, वीएमवेयर होता है। उसके अलावा भी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि वर्चुअल मशीन को सपोर्ट कर। वर्चुअलाइजेशन में जो है वो हम कंटिन्यू करेंगे कि इसमें आपके पास जो सिस्टम होते हैं वो मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला रहे होते हैं जिसको हमने पढ़ा था, लेकिन ये चला क्यों रहे होते हैं? लाइक किसकी एग्जांपल क्या है कि आप एप्पल लैपटॉप है और मैक ओएस एक्स रन कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वो ये कर रहा है कि वो विंडोज को भी उसने एज ए वर्चुअल मशीन जो रखा हुआ है। अब इसका फायदा क्या होता है, यही हमें करना क्यों पड़ता है?
आपने अगर एप्लीकेशन डेवलप करनी है मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स के लिए, आपने विंडोज के लिए करनी है, आपने मैक के लिए करनी है, आपने लाइनक्स के लिए करनी है, तो अगर वर्चुअलाइजेशन ना होगी तो आपको तीन अलग सिस्टम रखने पड़ेंगे, जिसमें आप एक पे मैक करेंगे, एक पे विंडोज करेंगे, एक पे लाइनक्स करेंगे। उसके अलावा क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, ये भी डेवलपमेंट से रिलेटेड है कि आपके पास एक सॉफ्टवेयर आता है जिसकी आपने टेस्टिंग, क्वालिटी एश्योरेंस बेसिकली टेस्टिंग को कहते हैं, उसकी आपने टेस्टिंग करनी है कि आया ये विंडोज पे ठीक चल रहा है, क्या ये लाइनक्स पे ठीक चल रहा है, क्या ये मैक पे ठीक चल रहा है, क्या ये सोलैरिस पे ठीक चल रहा है। तो इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम पे इसको टेस्ट करने के लिए आप वर्चुअल मशीन बना लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप जनरली एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि आप डिफरेंट जो है वो प्लेटफॉर्म्स, उनको देख सकें कि वो किस तरह के होते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट कर सकें। अच्छा, ये एक जो है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वी वर्चुअल मशीन मैनेजर जो है वो नेटिवली भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर दफा आपने एक वर्चुअल मशीन बनानी है तो आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम पहले इंस्टॉल करें, उसके ऊपर जाके जो है वो फिर आप दोबारा से जो है वो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम करें। तो नेटिवली चलने का मतलब ये होता है कि इसके लिए याद रखिएगा कि सिस्टम भी नए चाहिए होंगे जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के हों, जिसमें हार्डवेयर लेवल के ऊपर विजुअलाइजेशन जो है वो सपोर्ट की जाती है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि इसमें सिस्टम भी हमें नए चाहिए होते हैं जिसमें जो विजुअलाइजेशन है वो हार्डवेयर लेवल पे जो है वो सपोर्ट होगी। तो इस तरह में अगर दो इस तरह के अगर एनवायरमेंट में दो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज और लिनक्स चल रहे हैं तो वो साइड बाई साइड चल रहे हैं, वो डायरेक्टली अपने VMM के ऊपर चल रहे हैं और उनका कोड जो है वो डायरेक्टली मशीन के ऊपर ट्रांसलेट हो रहा है, ना कि जो लाइनक्स का है विंडोज के ऊपर ट्रांसलेट हो रहा है, या विंडोज का जो है वो लाइनक्स के ऊपर ट्रांसलेट हो रहा है। ये एक डायग्राम है सर, ये जिसमें VM, जी बोले हैं। VM वेयर क्या है? वर्चुअल मशीन मैनेजर है VMware, एक सॉफ्टवेयर, जिस तरह हमने VMM पढ़ा ना कि वर्चुअल मशीन मैनेजर है, तो उसकी एक एग्जांपल है VMware। VMware को अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा, एक सॉफ्टवेयर का पैकेज मिल जाएगा जो विंडोज पे आप इंस्टॉल कर सकती हैं, और उसको जब आप सॉफ्टवेयर को खोलेंगे तो उसमें फिर आपके पास ऑप्शन होगा कि मल्टीपल आप वर्चुअल मशीन बना सकते। यहाँ पे एक एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक ट्रेडिशनल स्टैंड अलोन सिस्टम है जिसमें प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कोर या कर्नल का कोड है, प्रोसेस से सारा कुछ जो है वो इंटरेक्ट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम से, और हार्डवेयर और हमारे प्रोसेस के दरमियान में जो है वो कर्नल बैठा हुआ है या ऑपरेटिंग सिस्टम बैठा। और यहाँ पे हमारे पास जो है वो एक एग्जाम्पल है जहाँ पे हमारे पास वर्चुअल मशीन्स हैं। इसमें हर एक वर्चुअल मशीन के अपने प्रोसेस हैं जो कि अब उसके कर्नल के पास ही है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाते हैं, उसके ऊपर जो है वो वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है, नीचे सॉरी वर्चुअल मशीन मैनेजर होता है जो कि बेसिकली उन सारी इंस्ट्रक्शंस को जो है वो हार्डवेयर के अंदर हार्डवेयर इंस्ट्रक्शन के ऊपर ट्रांसलेट कर। सर, उसके इसको बाद प्लीज रिपीट कर दें। एक्चुअली इसका काम क्या है? किसका किसका ये जो काम प्रोसेस है ये असल में करते सर, ये प्रोसेस वर्चुअल मशीन और कर्नल ये सारा? बेटा, कर्नल जो है, कर्नल लास्ट लेक्चर अगर आपने नहीं पढ़ा तो उसमें आप दोबारा जाइएगा एक दफा। कर्नल का मैंने बताया ये था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसकी डेफिनेशन क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन जो वेरी करती है, नॉर्मली हम ये समझते हैं कि जो भी चीज एक इंस्टॉलेशन पैकेज के अंदर हमें मिल जाती है वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, लेकिन साथ ही हम ये भी डिस्टिंक्शन करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम का एक कोर पार्ट होता है जो कि मेमोरी में हर वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उस कोर पार्ट को हम कर्नल कहते हैं, ठीक है। तो कर्नल का तो आपको मैंने दोबारा ये बता दिया कि कोर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हर वक्त मेमोरी के अंदर रहता है उसको कर्नल कहते हैं। अब ये जो प्रोसेसेस हैं जिसको हमने प्रोसेसेस कहा, चाहे हम इसको प्रोसेसेस की बात करें या इन प्रोसेसेस की बात करें, ये हमारे पास जो है वो यूजर के प्रोसेसेस हैं जो जिनको हम एप्लीकेशन प्रोग्राम्स कह रहे हैं, जिस तरह आपका ब्राउजर है, जिस तरह आपका वर्ड है, जिस तरह हम ये जूम यूज कर रहे हैं। तो इन्होंने जो भी सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर रिसोर्सेज जो है वो यूज करने हैं, फॉर एग्जाम्पल ये जूम की जो एप्लीकेशन हम सब ने चलाई हुई है इस वक्त, इसको क्या हार्डवेयर रिसोर्सेज चाहिए, इसको रैम के अंदर डाटा चाहिए क्योंकि हमें पता है हर प्रोसेस को रैम के अंदर आना पड़ेगा, उसके अलावा इसको जो है वो नेटवर्क कार्ड चाहिए क्योंकि नेटवर्क कार्ड के जरिए ये कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम डिफरेंट लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो थ्रू नेटवर्क कार्ड हमारा डाटा जा रहा है, तो इन सारी चीजों को कर्नल मैनेज कर रहा होता है, ठीक है।
अब ये VM1, VM2, VM3 का मतलब ये है कि ये एक जो हमारे पास जो फिजिकल मशीन थी, इसको हमने तीन वर्चुअल मशीन्स के ऊपर जो है वो डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब हर एक कर्नल का जो है वो डिफरेंट टाइप का, लाइक एक कर्नल जो है वो विंडोज का हो सकता है, ये दूसरा कर्नल जो है ये आपका पास लिनक्स का हो सकता है, तीसरा जो है वो सोलारिस का हो सकता है या किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम का हो सकता है। तो अब इन तीनों की जो ट्रांसलेशन है वो एक ही हार्डवेयर के ऊपर होंगे, एक ही तरह के हार्डवेयर के ऊपर होनी है। तो जब एक ही तरह के हार्डवेयर के ऊपर होनी है तो इस दरमियान के अंदर जो हेट्रोजेनिटी है उसको कौन मैनेज कर रहा होता है, वो वर्चुअल मशीन मैनेजर कर रहा होता है उसको। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में जो चीजें आ जाती हैं उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास फिजिकली डिस्टिंक्ट मशीन्स होती हैं, लेकिन वो किसी भी काम को करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी काम को करने के लिए आपस में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। अगर आप इसकी एग्जाम्पल देखना चाहते हैं तो ये जो मीटिंग हम कर रहे हैं ये भी एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग की एग्जाम्पल है कि हम सब लोग जो है वो एक मीटिंग को ज्वाइन करके इसके ऊपर एक क्लास जो है वो कंडक्ट करना चाह रहे हैं। अब इसमें कौन कौन से सिस्टम जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें मेरा सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अब सब लोगों के सिस्टम पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब हो सकता है कि मैं जो है वो एक डेस्कटॉप मशीन के ऊपर जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, आप में से कुछ लोग जो है वो लैपटॉप से कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो डेस्कटॉप से कर रहे हैं, कुछ लोग जो है वो मोबाइल फोन से कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन से सिस्टम इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसमें जो जूम का जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो नेटवर्क है, उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो इस मीटिंग के ऊपर पार्टिसिपेट कर रहा है। तो बहुत सारे सिस्टम ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करके हमारी इस क्लास को या हमारी इस एप्लीकेशन को इनेबल कर रहे हैं। तो इस तरह के एनवायरनमेंट को हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। तो ये लूज लूज होता है, यानी लूज किस सेंस में होता है कि अगर हम इस एप्लीकेशन को ना इस्तेमाल करें तो उसके अलावा भी हमारा सिस्टम जो है वो यूजलेस नहीं है, उसके अलावा वो अपने अंदर भी एक पूरे रिसोर्सेज रखता है और दूसरी एप्लीकेशन को चला सकता है। अब इसके लेवल हैं, लोकल एरिया नेटवर्क यूजुअली इसका स्मॉल स्केल होता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क का स्केल जो है लोकल से भी थोड़ा कम होगा, वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसमें इंटरनेट भी आ जाते हैं, सिटी वाइड नेटवर्क भी आ सकते हैं, इसी तरह मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, ये सब जो है वो एरिया जिसमें भी आ जाएगा वो आपके फिजिकल एरिया को डिनोट कर रहा है कि कितने एरिया पे उसकी कवरेज है। तो हम जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं इसमें चूंकि हम इंटरनेट यूज कर रहे हैं, आपकी लोकेशन कोई भी हो सकती है, मेरी भी कोई भी हो सकती है, हम डिफरेंट सिटीज में भी हो सकते हैं और हमारा जो सर्विस प्रोवाइडर है वो हो सकता है आउट ऑफ कंट्री हो, तो इसको हम कह सकते हैं कि हम जिस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में बात कर रहे हैं इस वक्त ये क्लास कंडक्ट कर रहे हैं ये वाइडर एरिया नेटवर्क के जो अंडर है वो आ रहा है। तो इस तरह की चीजों को जो मैनेज करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं जो कि हमारे मैसेज पासिंग को और इस तरह की चीजों को मैनेज कर रहे हैं। उसके बाद है कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर्स किस तरह के होते हैं, तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि सिंगल जनरल पर्पस प्रोसेसर होता है। पहले ट्रेडिशनल सिस्टम ऐसे ही होते थे कि एक ही प्रोसेसर होता था और वही सारे काम जो है वो कर रहा होता था। जनरल पर्पस का मतलब ये है कि अगर कोई एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, फैक्टोरियल का प्रोग्राम है तो वो भी उसी प्रोसेसर ने हैंडल करना है, अगर कोई वीडियो प्ले करनी है तो वो भी उसी ने करनी है, ये कोई भी कंप्यूटर के अंदर काम है तो उसी जनरल पर्पस जो सिस्टम है। उसके बाद मल्टी प्रोसेसर जो है वो आ गए हैं, उसमें ये होता है कि एक सिस्टम जो है उसमें मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं। नॉर्मली हमारे पास इवन जो मोबाइल फोन हैं उसमें भी आजकल जो है वो मल्टीपल प्रोसेसर होते हैं, तो उनको भी हम मल्टी प्रोसेसर कह सकते हैं। ये पैरेलल सिस्टम होते हैं, पैरेलल का मतलब ये है कि आपके पास चूंकि एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं, तो एक से ज्यादा प्रोसेसर हैं तो साइमल्टेनियस टास्क जो है उसके ऊपर एग्जीक्यूट हो सकते हैं। टाइटली कपल्ड सिस्टम का मतलब ये है कि वो एक ही, उनकी जो जो पैकेजिंग है वो टाइट है, टाइट उससे होता क्या है, वो एक ही सिस्टम के अंदर पैक्ड है, उससे होता ये है कि कोई डायरेक्टली दूसरे सिस्टम से आके मेरे प्रोसेसर को रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता। अगर उसने भेजनी है तो वो थ्रू नेटवर्क भेजेगा और हम कम्युनिकेट करेंगे तो एक डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क के ऊपर जो है वो करेंगे। दस मिनट रह गए इस मीटिंग के खत्म होने में, जब मीटिंग खत्म होगी तो आप उसी लिंक को दोबारा ज्वाइन करेंगे ताकि हम अपना लेक्चर जो है वो कंप्लीट करें। अच्छा, अब इसमें इंक्रीज थ्रूपुट होती है क्योंकि मल्टीपल प्रोसेसर हैं, इकोनॉमी ऑफ स्केल यानी स्केल कर सकता है ये टू द लार्जर लेवल, ज्यादा आपके पास जॉब्स होंगी उनको हैंडल कर सकता है, रिलायबिलिटी ज्यादा है, ग्रेसफुल डिग्रेडेशन है, फॉल्ट टॉलरेंस है,
ग्रेसफुल डिग्रेडेशन और फॉल्ट टॉलरेंस जो है वो यूजुअली इस सेंस में हम यूज करते हैं इन टर्म्स को कि आपके पास चूंकि मल्टीपल रिसोर्सेज हैं तो एक अगर आपका रिसोर्स जो है वो फेल हो जाता है, वो काम करना छोड़ देता है, तो आपके जो दूसरे रिसोर्सेज हैं दे विल टेक ओवर और आपका जो काम है वो चलता रहे। उसके बाद एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक मल्टीप्रोसेसिंग है। इसमें फर्क क्या है कि जो एसिमेट्रिक है हर एक प्रोसेसर जो है उसको एक अलग टास्क जो है वो असाइन किया जाए। इसकी एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं कि ज्यादातर जो एग्जाम्पल है कि मतलब अगर आपके पास क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप लोगों ने लाजमी सुना होगा, आप सीएस के स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें माइनिंग रिग्स होती हैं। तो माइनिंग रिग्स जो है उसका काम ही ये होता है कि उसने क्रिप्टो करेंसी की जो है वो माइनिंग करनी होती है। माइनिंग करने का मतलब बेसिकली ये है कि वो एक मैथमेटिकल फार्मूला है उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। या उसके अलावा अगर हम अपने सिस्टम में देख लें तो यूजली होता ये है कि हमारे पास एक जो है वो मेन प्रोसेसर होता है जो कि जनरल पर्पस होता है, और साथ में हमारे पास जीपीयू होता है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, उसको हम गेमिंग के लिए यूज करते हैं, उसको हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए यूज करते हैं और इस तरह के दूसरे कामों के लिए। जो सिमेट्रिक मल्टी प्रोसेसिंग होती है उसमें हर एक जो प्रोसेसर होता है वो सारे के सारे जनरल पर्पस होते हैं और कोई भी जो टास्क आ जाता है वो उन दोनों उन सब के दरमियान इक्वली या किसी भी एल्गोरिथम के तहत उनके दरमियान में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। उसके बाद है कि मल्टी इसकी जो एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन है मल्टी प्रोसेसर सिस्टम की कि यहाँ पे प्रोसेसर जीरो है, उसमें सीपीयू है, उसमें रजिस्टर है, उसमें अपनी कैशे है, इसी तरह दूसरा जो प्रोसेसर है उसमें एक अलहदा सीपीयू है, अलहदा रजिस्टर है, उसकी अलहदा एक कैशे है, और सारे ये जो कम्युनिकेट कर रहे हैं ये आपस में मेन मेमोरी के साथ कर रहे हैं, यानी अपना डाटा जो है ये मेन मेमोरी से फेच कर रहे हैं। इसके अलावा मल्टी प्रोसेसर और मल्टी चिप एक चीज होती है, मल्टी कोर जिसको आप कहते हैं। इसमें मल्टीपल कोर्स में अगर आप फर्क देखें इन दोनों के दरमियान में तो कोर जीरो सीपीयू जीरो। अब यहाँ पे ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि आपके पास एक कोर के ऊपर भी एक से ज्यादा सीपीयू हो सकते हैं, यानी एक कोर के ऊपर जो है वो चार सीपीयू है, दूसरी के ऊपर भी आपके पास चार सीपीयू। हर एक जो कोर है उसमें आप ये देखें कि सेट ऑफ रजिस्टर्स जो है वो अलग है, ठीक है, और हर एक कोर की जो है वो अपनी एक कैशे है जिसको आप लेवल वन कैशे कह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी इसी तरह से है कि लेवल वन कैशे है, रजिस्टर है और सीपीयू की कोर है। उसके बाद एक लेवल टू कैशे है जिसके साथ ये सारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, ठीक है, और फाइनल इनके कम्युनिकेशन जो है वो डाटा की वो मेन मेमोरी के जरिए। उसके बाद है नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम। नॉन यूनिफॉर्म मेमोरी एक्सेस सिस्टम ऐसे मल्टीप्रोसेसर सिस्टम के लिए हम यूज करते हैं जहां पे हर एक सीपीयू जो है उसके साथ अपनी एक मेमोरी जो है वो अटैच होती है। सीपीयू वन के साथ अपनी है, सीपीयू जीरो के साथ अपनी है, टू के साथ अपनी है, थ्री के साथ अपनी है। अब इसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर सीपीयू जीरो जो है उसने कोई डाटा जो है मेमोरी जीरो से लेना है तो वो उसको रेडीली यानी ज्यादा स्पीड के साथ जो है वो एक्सेसिबल होगा एज कम्पेयर टू इसके के अगर सीपीयू जीरो ने डाटा जो है मेमोरी वन से लेना, अगर उसने मेमोरी वन से लेना है तो उसको ये वाले जो इंटरकनेक्ट्स हैं ये यूज करने पड़ेंगे, यानी उसको ये इंटरकनेक्ट के जरिए सीपीयू वन से जाना पड़ेगा और सीपीयू वन जो है वो एनेबल करेगा कि मेमोरी वन से डाटा जो है वो सीपीयू जीरो के साथ की तरफ जाए। तो सीपीयू जीरो की तरफ जो मेमोरी वन से डाटा आएगा उसकी स्पीड स्लो होगी, उसका थ्रूपुट और उसका रिस्पॉन्स टाइम जो है वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू के अगर सीपीयू जीरो को मेमोरी जीरो से डाटा लेना हो जो कि रेडीली अवेलेबल है, और दिस इज ट्रू फॉर ऑल सीपीयू, सीपीयू जीरो के लिए, वन के लिए, टू के लिए, थ्री के लिए। उसके बाद है क्लस्टर्ड सिस्टम। क्लस्टर्ड सिस्टम में आपके पास होता ये है कि आप मल्टीपल सिस्टम जो है उनको आपस में क्लस्टर कर देते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग जो है उसके लिए करते हैं कि आपने उससे ऐसे काम करने होते हैं जो कि नॉर्मल एक सिंगल मशीन की कैपेसिटी से या चंद मशीनों की कैपेसिटी से ज्यादा होते हैं, तो उनको आप एक क्लस्टर में रख देते हैं और उनको जो है वो सारा काम जो है उनके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी दो तरह की क्लस्टरिंग है, एसिमेट्रिक है। इसमें होता ही है कि एक मशीन जो है वो मैनेजर होती है और हॉट स्टैंड बाय मोड के अंदर,
मैनेजर का क्या मतलब होता है कि मैनेजर ने मैनेज करना है बाकी मशीन को, उनको मॉनिटर करना है कि वो बाकी मशीन जो है अपना सारा काम कर रही है या नहीं कर रही। जो सिमेट्रिक होती है उसमें ये होता है कि मल्टीपल नोड जो है वो सारे के सारे जितने भी नोड होंगे वो सारे कोई ना कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और सारे एक दूसरे की मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। मॉनिटरिंग में होगा ये कि अगर एक क्लस्टर का एक सिस्टम जो है वो डाउन हो जाएगा तो उसका लोड जो है वो भी बाकी सबके ऊपर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसके लिए क्लस्टर्स का फायदा उठाने के लिए जरूरी है कि हमारा कोड जो है वो भी इस तरह से लिखा हुआ हो कि वो पैरेललाइजेशन का जो है वो फायदा उठा सके। अगर हमारा कोड जो है सिक्वेंशियल है, उसमें कोई पैरेललाइजेशन नहीं है, उसमें हमने थ्रेड्स यूज नहीं किए हुए, तो कोई आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा उसको क्लस्टर के ऊपर एग्जीक्यूट करने का। उसको सिंगल सिस्टम पे करें या क्लस्टर पे करें या मल्टी प्रोसेसर पे करें, तो जो सिंगल सिस्टम पे करें या क्लस्टर पे करें आपको तकरीबन सेम रिजल्ट मिलेगा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि आपने कोड ही इस तरह से लिखा है कि वो इस तरह से डिपेंडेंट है कि एक के बाद दूसरा टास्क जो होगा। उसके बाद क्लस्टर में क्या होता है कि डिस्ट्रीब्यूटेड लॉक मैनेजर होते हैं कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन करने को रिजॉल्व करने के लिए, क्योंकि मल्टीपल मशीन्स हैं जो कि एक ही तरह के काम कर रही हैं, तो अगर कोई ऐसा काम होगा जिसमें दो मशीन में डेड लॉक आ जाता है कि ये किसने करना है या किसके ऊपर ये रिसोर्स जाएगा। लाइक अगर आपने कहा है कि जॉब्स हैं वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करनी है हर एक के ऊपर और वो जॉब जो है वो इक्वल नहीं है, लाइक अगर आपके पास क्लस्टर में 5 मशीन्स थी और आपके पास 10 जॉब्स हैं, वो तो दो दो आप उधर दे देंगे, लेकिन अगर 13 जॉब्स हैं तो फिर क्या करेंगे। इस तरह के कन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन जो है उसको भी मैनेज करना जो है क्लस्टर सिस्टम का काम, और उसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इस तरह की चीजों को मैनेज करता है। ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि हमारे पास जो मल्टीपल कंप्यूटर हैं उनका आपस में इंटरकनेक्ट है और एक वो कॉमन स्टोरेज एरिया को जो है वो आप एक्सेस कर रहे होते हैं। ये जो कॉमन स्टोरेज एरिया है यूजली ये सेकेंडरी स्टोरेज हमारी होती है। अभी हमारा टाइम खत्म होने वाला है, याद रहे कि आपने टाइम खत्म जैसे ही होता है आपने उसी लिंक के जरिए दोबारा मीटिंग को ज्वाइन करना है ताकि हम उसको करें। ये मदरबोर्ड है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं, इसको आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद कंप्यूटर सिस्टम के एनवायरमेंट्स हैं, इसमें ट्रेडिशनल है, मोबाइल है, क्लाइंट सर्वर है, पीयर टू पीयर है, क्लाउड कंप्यूटिंग है और रियल टाइम और एम्बेडेड। ट्रेडिशनल सिस्टम में क्या होता है कि स्टैंड अलोन जनरल पर्पज मशीन है इसमें, लेकिन इसका फर्क जो है वो ब्लर हो गया। अब हम चूंकि इंटरनेट जो है वो हर जगह पे मौजूद है तो हमारी सिस्टम जो है वो उसको हम स्टैंड अलोन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम किसी दूसरे सिस्टम के साथ भी यूज कर सकते हैं। जिस तरह अभी हम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, इसमें हमारे जो जूम के सर्वर हैं वो हमारे लिए एज ए सर्वर एक्ट कर रहे हैं और हमारे सिस्टम जो है वो एज ए क्लाइंट एक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम एज ए क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर जो है उसको फॉलो कर रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ जूम ओनली। लेकिन अगर इस मीटिंग के बाद अपना हम इंटरनेट जो है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं अपने फोन से अपने सिस्टम से, तो हमारे सिस्टम स्टिल कैपेबल हैं बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है वो पावर के, और वो डिफरेंट काम हमारे लिए कर सकते हैं। उसके ऊपर हम प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, हम वर्ड प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसके अलावा दीगर काम हम कर सकते हैं। तो यही चीज़ें जो है वो यहाँ पे लिखी हुई हैं कि पोर्टल्स हैं, जिस तरह आपका पोर्टल है वो आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें थिन क्लाइंट का मतलब ये है कि आपके पास एक मेजर सर्वर होगा और बाकी जो आपकी क्लाइंट मशीन है उनकी कैपेबिलिटी जो है वो कम होगी और वो अपने जो सर्वर्स हैं उनसे कम्युनिकेट करके ज्यादातर जो है वो काम कर रहे होते हैं। और फाइनली वही चीज के नेटवर्क इज बिकमिंग विक्वेस का मतलब ये होता है कि जो चीज हर जगह पे मौजूद हो, हर जगह पे हमारे पास नेट जो है वायरलेस की सूरत में मौजूद है। इवन पब्लिक प्लेसेस के ऊपर भी आप चले जाएं तो बास जगह पे गवर्नमेंट ने जो है वो आपको वाईफाई ओपन दिए हुए, तो जब ये सारी चीजें ओपन हो सकती हैं तो नेटवर्क के जरिए आपके सिस्टम भी अंडर थ्रेट जो है वो आ सकता है। तो उसको बचाने के लिए आपके पास फायरवॉल्स होती हैं, इस तरह के जो मैकेनिज्म है उसके जरिए आप अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट कर। मोबाइल डिवाइसेस हैं, स्मार्टफोन्स हैं, अब ये करते क्या है कि इसमें डिफरेंट तरह की कैपेबिलिटी है, लाइक इसमें